जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जो आप देख रहे हैं शिक्षा की खबर। इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी। फाइनली इस वीडियो में हम बताएंगे जो स्टूडेंट करेक्शन करा लिए थे, अपना जो कि रैंक कार्ड जमा कर दिए थे, इनका जो कि एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं सर एडमिशन कब से होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग के जो कि कॉलेज से लेटर भी आ गए, आप लोग को फाइनली हम लेटर दिखा के जो कि प्रूफ करेंगे। आप लोग को पता है मैं इस जो कि चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन और सटीक और राइट जानकारी दे ता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरा कोई मकसद नहीं, किसी भी स्टूडेंट को गुमराह नहीं करता हूँ। ठीक है, जो भी जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती है, सटीक और राइट जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग रैंक कार्ड जमा कर दिए, चौथी में लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कि आप लोग का एडमिशन कब से जो है कि स्टार्ट होगा और एडमिशन कब होगा। तो आप लोग का फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है, इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, आप लोग जान जाएंगे कि चौथी में लिस्ट में आप लोग के एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। और आप लोग फाइनली ये भी जान सकते हैं जो स्टूडेंट का कि एडमिशन होने के बाद क्लास कब से स्टार्ट होगा, इस वीडियो में ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक और राइट जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, और आप लोग को आने वाले दिन में जो कि सारे जो कि ITI से संबंधित जानकारी दी जाएगी, कौन से आपको बुक सही पड़ेगी, कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए, कौन से जो कि कौन से जो कि आपको प्रैक्टिकल के लिए कौन से बुक परचेज करना चाहिए, और आपको जो कि ट्रेड वाइज सारी जो कि जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, तो यदि आप ITI के स्टूडेंट हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो फाइनली हम बात करेंगे रैंक कार्ड जो जमा करने का लास्ट डेट है आप लोग का 29 तारीख है। ठीक है, फाइनली हम आप लोग को लेटर दिखा रहे हैं जो कॉलेज से आया हुआ लेटर। ठीक है, फाइनली आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कि लेटर आ चुका है। लेटर में जो है कि साफ साफ शब्दों में लिख भी दिया गया है आप लोग को, मैं जो कि आई मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, जहाँ मार्किंग कर रहा हूँ आप लोग देख रहे हैं 29 तारीख। ठीक है, 29 तारीख रैंक कार्ड जमा करने का लास्ट डेट है। ठीक है, कल आप लोग का जो है कि आज जो कि 29 तारीख हो गया, कल जो कि 29 तारीख है आप लोग का रैंक कार्ड जमा करने का लास्ट तिथि है, वो भी 12 बजे तक। आप लोग मैं साफ शब्दों में पढ़ के यहाँ बता दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोग जो कि साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है, रैंक कार्ड को लेकर 29/10/2021 तक संबंधित संस्थान में दोपहर 12 बजे तक, ठीक है, जमा कर दें संबंधित रैंक कार्ड। जो भी रैंक कार्ड आप लोग जो कि चौथी मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, इससे पहले मैं जो वीडियो में आप लोग को बता दें, रैंक कार्ड नहीं जमा करेंगे तो आपका जो कि चौथी मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका जो कि नाम नहीं आएगा चौथी मेरिट लिस्ट में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अपना न्यू फॉर्म या जो कि करेक्शन किए थे, वो अपना रैंक कार्ड अपने कॉलेज में आज 29 तारीख हो गया, आप लोग अगर 12 बजे से पहले जमा नहीं करते हैं तो आप लोग का जो कि चौथी मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, और आप लोग फाइनली जो कि चौथी मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फाइनली आज 29 तारीख है, ठीक है, 29 तारीख है, आप लोग जो है कि अपना जो है कि फाइनली आप लोग ले जाके अपना जो रैंक कार्ड है उसे जमा कर दें, 12 बजे से पहले अपना रैंक कार्ड जमा कर दें, 12 बजे के बाद आप लोग का जो है कि रैंक कार्ड जमा नहीं होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट जो कोई चौथी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, अपना रैंक कार्ड 12 बजे से पहले जमा कर लें। साथ ही हम बात करेंगे आप लोग का क्लास कब से चलेगा, तो क्लास कब से चलेगा आप लोग का डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्लास कब से चलेगा। फाइनली बात करेंगे कि आप लोग का एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप सभी लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट में जो आप डॉक्यूमेंट तैयार रखे थे, वही डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिए, आप लोग का वही डॉक्यूमेंट जो कि फाइनल एडमिशन में लगेगा। एडमिशन फाइनली आप लोग का किस तारीख को है, 30 तारीख को। ठीक है, 30 तारीख को, जैसे 29 तारीख को आप लोग रैंक कार्ड, आज 29 तारीख है, आप लोग रैंक कार्ड जमा करेंगे, आज ही के डेट में आप लोग का जो शाम में मीटिंग होगी कॉलेज पे, ठीक है, जो नोडल ITI वहाँ पे कॉलेज पे जो मीटिंग होगी, आप लोग की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, आप लोग का रैंक कार्ड के हिसाब से आप लोग का मेरिट तैयार की जाएगी, आप लोग को 30 तारीख को जो है कि एडमिशन होगा। ठीक है, 30 तारीख को आप लोग का एडमिशन होगा जो कि शाम 5 बजे तक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का 29 तारीख का जो है कि लास्ट जो है कि रैंक कार्ड जमा करने का तिथि खत्म हो जाएगी, फिर आप 30 तारीख को एडमिशन होगा, 30 तारीख को आपका एडमिशन होगा, 30 तारीख को दोपहर से आप लोग का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, दोपहर से 5 से 6 बजे तक आप लोग का एडमिशन चलेगा। तो आप जिस कॉलेज में रैंक कार्ड जमा किए हैं, जिस कॉलेज में आप लोग प्लीज़ रैंक कार्ड जमा किए, उसी कॉलेज में आप जाएंगे, सारा डॉक्यूमेंट लेके फाइनल एडमिशन के लिए सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है कि उसको देख सकते हैं। यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो मैं इस वीडियो को जो है कि एंड स्क्रीन में लगा दूंगा आपको जो है कि फाइनल एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आप लोग जानिए कि आपको 30 तारीख तक एडमिशन होगा, ठीक है। 29 तारीख तक आज जो है 12 बजे तक रैंक कार्ड जमा होगा। रैंक कार्ड जमा होने के बाद आप लोग का फाइनली मीटिंग होगा। मीटिंग होने के बाद आपको 30 तारीख को चौथी मेरिट लिस्ट का जो है कि एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 30 तारीख को आप लोग का जो कि फाइनल एडमिशन होगा। 30 तारीख के बाद आपका कोई भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सारे स्टूडेंट 30 तारीख को अपने कॉलेज पे पहुंचिए, जिस जगह करेक्शन किए न्यू फॉर्म में अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारी जानकारी दी गई समझ में आ गई, तो वीडियो में कमेंट करना ना भूले। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कोई भी डाउट क्लियर अगर नहीं होता तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग वहाँ से फाइनली व्हाट्सअप करके हमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आपको क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। आपको कॉलिंग नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को दी हुई जानकारी समझ में आ गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।